हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज विपिन गुजेला। और काफ़ी लोगों ने, जो मैंने एक लास्ट टू लास्ट वीडियो बनाई थी डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, तो लोगों ने कमेंट किया था। मैंने पूछा था आप लोगों से कि अगर आप चाहते हो कि डिग्री के ऊपर भी वीडियो बनाओ कि डिग्री इन होटल मैनेजमेंट, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। सो आज ये वीडियो उसी के लिए है। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अच्छी लगे और ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना। तो फटाफट मैं आपको बताता हूँ कि डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट के बारे में बता दिया, जाके देख लेना वीडियो नहीं देखी तो। अब यह है डिग्री इन होटल मैनेजमेंट के बारे में, उसके एडवांटेजेस क्या क्या। सबसे पहले कि देखो कि ये जो डिग्री है एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, आप 12th के बाद इसको कर सकते हो। करने का तरीका ये होता है कि इसका एक एग्ज़ाम होता है जो कि आपको देना पड़ता है, उसके बाद आपकी रैंकिंग आती है ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग, फिर जहाँ पर भी अवेलेबल होता है आपके रैंक के हिसाब से जो भी कॉलेज, तो उस कॉलेज में आपको करनी पड़ती है। प्राइवेट भी कर सकते हो, और मेरा जो मैंने किया था वो था मेरा IHM हैदराबाद। तो ये एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होता है, राइट। और यहाँ पे मैंने नोट्स तैयार कर रखे हैं, इसलिए मेरे को देख देख के बताना पड़ा ताकि मैं आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन ना दे दूँ। सही है, तो ये तो हो गया पहला कि एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होता है। और इस डिग्री को करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है MBA करने का। अगर आप MBA करना चाहते हो किसी भी लाइन में या जो भी कुछ है, तो आप MBA भी कर सकते हो। और डिप्लोमा में ये था कि भाई आप क्या है, आपको स्टार्टिंग लेवल से जॉब मिलती थी, लेकिन डिग्री करने का फ़ायदा ये कि डिग्री करने के बाद क्या है ना, आपको आपके पास ऑप्शन होते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी के, ऑपरेशनल ट्रेनी के। मैनेजमेंट ट्रेनी हो ना, थोड़ा ये ना फ़ोन मेरे को जब भी गुस्सा करता है, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं ना, सो बाद में करेंगे। हाँ, सो डिग्री करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको मैनेजमेंट ट्रेनी और ऑपरेशनल ट्रेनी के ऑप्शन खुल जाते हैं। उसमें ये क्या होता है कि डिप्लोमा में तो कि आपको स्टार्टिंग लेवल से जॉब करनी होती है, इसमें मैनेजमेंट और ऑपरेशनल में होता है कि थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, यानी अगर आप मैनेजर के लिए करते हो मैनेजमेंट ट्रेनी, आपको सिलेक्ट हो जाते हो कई होटल्स में, तो 2 years करने के बाद आपको वो मिल जाता है, एज सुपरवाइज़र आप बन जाते हो या एज असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर। वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर कि आपने किस हिसाब से किया है, किस हिसाब से इंटरव्यू एंड ऑल दैट, तो बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। थर्ड आता है कि देखो, अगर मान लो आप, क्योंकि डिग्री में तो ये होता है कि आपको सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, चाहे वो फूड एंड बेवरेज सर्विस हो, किचन हो, हाउस कीपिंग हो, फ्रंट ऑफिस हो, A to Z जितने भी सारे सब्जेक्ट होते हैं वो पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जैसे फूड एंड बेवरेज सर्विस में मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मान लो कि मेरा मन नहीं कर रहा इन 3 साल के अंदर कि यार नहीं, मज़ा नहीं आ रहा फूड एंड बेवरेज सर्विस में, तो मैं किचन लाइन में चला जाता हूँ, तो मैं किचन लाइन में जा सकता हूँ, बिकॉज इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होते हैं। यही ऑप्शन हमारे पास डिप्लोमा में नहीं होता। डिप्लोमा में सिर्फ हम करते हैं कि सिर्फ अगर आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है सिर्फ वही पढ़ाई करनी होती है, तो ये एक एडवांटेज है डिग्री करने का। एडवांटेज ये है कि यार आपको मतलब डिग्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स कराए जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सुधारी जाती है, ग्रूमिंग के बारे में बताया जाता है आपके, और बहुत सारी चीज़ों के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है उसके बारे में बताया जाता है। ये एक मैनेजर लेवल की होते हैं कि किस हिसाब से आपको आपकी जो स्किल्स है उसको निखारा जाता है, उसके ऊपर काम किया जाता है। सो ये भी एक बिग एडवांटेज ऑफ डिग्री करने का ही होता है होटल मैनेजमेंट। ओके, सो अब मैं आपको बताऊँगा डिसएडवांटेजेस के बारे में। डिसएडवांटेज ये है कि देखो कि इसमें सबसे ज़्यादा तो पहले पैसा बहुत ज़्यादा लगता है डिग्री के अंदर, और इसमें ये होता है कि आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मान लो अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हो और आपका मन ही नहीं कर रहा कि नहीं यार मैं, मतलब कुछ लोग होते हैं, मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी काफ़ी लोग थे जिन्होंने 2-2 साल करने के बाद होटल मैनेजमेंट छोड़ दिया था, उनका नहीं मन कर रहा कि भाई होटल मैनेजमेंट हमारे बस की नहीं है, या हम नहीं करना चाहते, हम किसी और लाइन में जाना चाहते हैं, तो वो छोड़ कर चले जाते हैं, तो उनका 2 साल वेस्ट हो जाते हैं। तो एक ये बिग डिसएडवांटेज ये है। और एक और बिग डिसएडवांटेज बता देता हूँ कि होटल मैनेजमेंट का, ये है कि डिग्री करने का, कि अगर मान लो आपने मैनेजमेंट ट्रेनिंग और ऑपरेशनल ट्रेनिंग जो वो होता है जब कैंपस आते हैं, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग और ऑपरेशनल ट्रेनिंग उनके लिए होता है, अगर वो आप क्रैक नहीं कर पाते हो तो आपको सब कुछ 0 level से स्टार्ट करना पड़ता है। यानी आपकी जॉब होगी, अगर फूड एंड बेवरेज सर्विस से हो तो आपको एज अ स्टीवर्ड से जॉब स्टार्ट करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग में यूनो आपको 2 साल के बाद आपको एज अ सुपरवाइजर या असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर आप बन सकते हो। तो ये बिग डिसएडवांटेज है, इसीलिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग ज़रूर क्रैक करना अगर आप पढ़ रहे हो या इन फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो। तो मैंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्रैक किया था, बाय गॉड ग्रेस हो गया था। और एक और मैं बिग डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको यार हर चीज़ के बारे में पढ़ाई करनी पड़ती है, अगर आपका मन ना हो, चाहे वो जैसे अकाउंट्स भी होती है डिग्री के अंदर, अकाउंट्स है और न्यूट्रिशंस है,
और फूड न्यूट्रिशन है, तो ये सब सारे कोर्स आपको, सारे सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने पड़ते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, ए टू जेड हाउसकीपिंग हो गया, फ्रंट ऑफिस हो गया, ये सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आपका मन ना हो। अगर आप नहीं पास हो गए तो आपको डिग्री नहीं मिल सकती। तो ये कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज थे, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, कुछ कमेंट करना हो तो पूछ सकते हो कमेंट में, बाय चांस रिप्लाई ना दो बिकॉज दो दो चैनल हैं तो बहुत मुश्किल होता है रिप्लाई करना। तो यू कैन फॉलो मी इंस्टाग्राम, आज के लिए इतने, बाय, टेक केयर, जय हिंद।